नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स जीके खजाना की क्लास में आपका स्वागत है। जीके खजाना मेरी क्लास, यहाँ पर टॉपिक की बात होती है, बेवजह का ड्रामा नौटंकी नहीं किया जाता, पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको मालूम है कि जीके खजाना क्लास ऐसी क्लास है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पसंद कोई तैयारी करता है तो बोलिएगा जीके खजाना क्लास, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट कट पेस्ट क्वेश्चन। आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर जाकर उठा के देख लीजिए, या फिर यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको देखना एग्जाम में जाके, अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर? चलिए, हमारे लिए इस टाइम पर कितनी क्लासेस हो रही है देख लीजिए। मेरी इस टाइम पे 5 क्लासेस है जो रेगुलर हो रही है, जिसमें से 2 क्लासेस है जीके ट्रिक की, जो डेली होता है मंडे टू संडे, कोई छुट्टी नहीं है, 7:30 सुबह और रात को 9:00, 7:15 AM और 9 PM इवनिंग, ये 2 क्लास होती है जीके ट्रिक की, एवरीडे 5 मिनट का वीडियो होता है। उसके बाद 2 क्लास होती है जीके खजाना की, शाम को 7:00 और रात को 10:00, ये क्लास भी एवरीडे होती है, कोई छुट्टी नहीं होती, एवरीडे क्लास होती है मंडे टू संडे। तो ये चारों क्लास मंडे टू संडे चलती है, जीके ट्रिक की 2 क्लास, खजाना के 2 क्लास, चारों की चारों क्लास देखना है। इसी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जीके ट्रिक की 25 से 30 वीडियो हो चुका है, खजाना के भी 6-7-8 वीडियो हो चुका है, पर डे 2 वीडियो होता है। लाइंस इसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक और जीके खजाना वाली प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, लाइंस से सारे वीडियो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो पिछले 2021 से 2022 का पूरा करंट अफेयर्स आपको मैं शाम को 5:00 क्लास में करा रहा हूं। ये क्लास एमटीएस के नाम की है, एसएससी एमटीएस के नाम की, लेकिन यहां पर मैं 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे, बट आने वाले समय में मैं कोशिश करूँ कि ये क्लास को भी मैं सैटरडे संडे ले लूँ, ठीक है। अभी थोड़ी व्यस्तता है, सिस्टर की शादी है, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग बहुत चीजें होती है आपको मालूम है, तो थोड़ी सा अभी मैं सैटरडे संडे वाली क्लास नहीं ले पा रहा, मैं कोशिश करूँ कि ये वाली क्लास भी सैटरडे संडे लेना शुरू कर दूं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको मालूम है कि जो जीके खजाना की क्लास होती है उसमें हम क्या करते हैं, आप जो मुझे वीडियो भेजते हैं उस वीडियो के आधार पर मैं टॉपिक बनाता हूं। आइए हम देखते हैं, आज हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है रोहित, रोहित ने वीडियो भेजा है, रोहित का पहले देख लीजिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टेडियम जितने भी हैं आप सुने, फिर से सुन लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं ग्वालियर से हूँ सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया के जितने भी स्टेडियम हैं, ठीक है। अब कहानी क्या, आपको पता है कि ये जो वीडियो होता है मैं पीपीटी में लगाता हूँ, यहाँ पर नाम होता है बच्चे का, एग्जाम का नाम, बट अभी क्या है कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड में थोड़ी दिक्कत है मेरी, तो इस कारण से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं लगा पाया हूँ, तो इस कारण से रोहित से माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन के अंदर जो हमारे टेक्नीशियन उससे बात करके यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं अभी इंदौर में हूँ, जयपुर वाले स्टूडियोज बिल्कुल ओके हैं, जितने भी स्टूडियोज हैं, मैं इंदौर जो द्वारा जो स्टूडियो है उसमें डिजिटल बोर्ड में इसको मैंने अपडेट नहीं किया, इसको अपडेट कर दूंगा तो यहाँ पर आपका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, तो बेहतरीन शानदार क्लास स्टार्ट हो जाएगी मजेदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेडियम, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, हमेशा एग्जाम में आता है। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी क्लास 24 सेल, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ वीडियो लिंक हमें मिलता रहता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से, वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में संदीप सरजी के नाम से हूं, वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, इंपॉर्टेंट स्टेडियम। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेडियम में कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरली इसके जो नाम होते हैं नाम आपने सुना होगा, बस थोड़ा सा लिंक करना है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े वही स्टेडियम है जहां पर शाहरुख खान ने एक बार एक गार्ड को चाटा मार दिया था तो शाहरुख खान को बैन कर दिया गया था। वानखेड़े स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है मुंबई में, लगातार यहां पर मैच होते रहते हैं, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आसान है। अगला आता है आपका एचपीसीए स्टेडियम, कहां पर है, धर्मशाला में है, जो एचपीसीए कहां पर, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है आपका फिरोज शाह कोटला मैदान, जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसका नाम चेंज करके अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, और ये कहां पर है, नई दिल्ली में, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कई बार पूछ चुका है, यहां पर ढेर सारे क्रिकेट मैच होते रहते हैं। आगे बात करेंगे एम चिदम्बरम स्टेडियम, एम चिदम्बरम नाम से लग रहा है साउथ के हैं, बिल्कुल सिंपल, चेन्नई से, चाची चे चे मतलब चेन्नई और चे मतलब चिदम्बरम, यहां से कनेक्ट कर लीजिए चीजों को, याद हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेडियम की बात करते हैं ईडन गार्डन, बच्चा बच्चा जानता है कि ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है, मुझे लगता है कि इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। जिम खाना मैदान कहां पर है, मुंबई में है, सबको पता है जिम खाना मुंबई में है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, बट अब जो स्टेडियम कर रहे हैं तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम हैं इंडिया के 15-20 नाम इंपॉर्टेंट हैं वो हम कर लेते हैं, जिम खाना बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगला आता है आपका जेएससीए स्टेडियम, जेएससीए जो है झांसी का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका है, और जेएससीए कहां पर है, रांची, रांची झारखंड में,
अगला आता है आपका खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम। खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? राजकोट में है। नेक्स्ट स्टेडियम की बात कीजिएगा तो अगला आता है आपका सुब्रत राय सहारा स्टेडियम। ये कहां पर है? पुणे में। सुब्रत राय सहारा जो सहारा के हेड थे उन्होंने बनवाया था। ये कहां पर है? पुणे में। बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। आपके लिए एक होमवर्क है कि जो डीवाई पाटिल है ये कौन थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, गवर्नर थे, कौन थे? जरा कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हु इज डॉक्टर डीवाई पाटिल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका न्यू वीसीए स्टेडियम। न्यू वीसीए स्टेडियम नागपुर में है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी समय समय पर मैच होते रहते हैं। महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट इंदौर पे है। महारानी उषा राजे स्टेडियम है इंदौर में। जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है जनरली इस ग्राउंड पे ही होता है। तो महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, उषा राजे जी के नाम पर रखा गया है। अगले स्टेडियम की बात करेंगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। अभी हाल ही में इसके पहले जो आईपीएल हुआ था उसका जो फाइनल मैच हुआ था कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इसी स्टेडियम पे हुआ था आईपीएल का फाइनल मैच। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये कहां पर है? विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेडियम की बात कीजिएगा, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पर है? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम है। अगला आता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये कहां पर है? कोची में है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है। नेक्स्ट आता है आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ में, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट स्टेडियम की बात करेंगे फरतोदा स्टेडियम। ये कहां पर है? मार्गो गोवा में फरतोदा स्टेडियम है, नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेडियम की बात करेंगे इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगला रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। आपको पता है कि जो रोहित शर्मा ने 200 रन बनाए थे इसी रूप सिंह स्टेडियम बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे इसी रूप सिंह स्टेडियम बनाए थे। रूप सिंह कौन है? ये ध्यानचंद जी के भाई थे, हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, कैप्टन रूप सिंह, उन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। अगला है आपका नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। नाहर सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, आपको मालूम है, हरियाणा से संबंधित थे, फरीदाबाद से संबंधित थे, इस कारण से इनके नाम पर नाहर सिंह स्टेडियम रखा गया है। अगला है आपका सरदार पटेल स्टेडियम। ये कहां पर है? अहमदाबाद में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोती बाग स्टेडियम वडोदरा में है। और स्वामी मणि सिंह स्टेडियम कहां पर है? स्वामी मणि सिंह स्टेडियम जयपुर में है। नेक्स्ट बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम तेलंगाना में है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में है, बिरसा मुंडा नाम से याद है, झारखंड की शान आन बान शान भगवान बिरसा मुंडा, उनके नाम पर रांची में रखा गया है इस स्टेडियम का नाम। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको 20 इंपॉर्टेंट स्टेडियम बताया है, 20-22 है, और ये इतना अगर याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। देखो वैसे तो स्टेडियम ढेर सारे हैं, मैं बताना शुरू कर दूंगा तो मध्य प्रदेश में कम से कम 15-20 स्टेडियम है, हर राज्य में 15-20 स्टेडियम बताना शुरू करूंगा तो 2,400-600 ऐसे स्टेडियम हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो सारे स्टेडियम करेंगे। कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पढ़ने का एक्सपीरियंस रहा है, फिर मैंने पढ़ाया है, कई एनालिसिस करता हूं, मैं हर एग्जाम का पेपर देखता हूं, एसएससी हो, रेलवे हो, क्योंकि मैं एनालिसिस करवाता हूं तो मुझे देखना पड़ता है, तो उससे अंदाज लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछा है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये स्टेडियम अगर हम याद करके चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्टेडियम में आपको सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जीके खजाना वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर ट्रस्ट करोगे, जिसने ट्रस्ट किया है, हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी ट्रस्ट कीजिए, आपको फायदा होगा। जीके ट्रिक की 2 क्लास है और जीके खजाना की 2 क्लास, ये 4 क्लास मंडे टू संडे चलती है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। जीके ट्रिक की टाइमिंग है 7:30 बजे और रात को 9 बजे, और जीके खजाना की टाइमिंग है 7:00 बजे और रात को 10 बजे। ये 4 क्लास ऑल टाइम हो गया। देन उसके बाद में आपका एमटीएस वाली जो शाम को 5 बजे क्लास होती है, वहां पर मैं 2 साल का करंट अफेयर्स करा रहा हूं, वो क्लास भी आपको डेली देखना है, लेकिन वो मंडे टू फ्राइडे होती है। आने वाले समय मेरी कोशिश है कि उसको भी मैं सैटरडे संडे स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जमकर एक बार फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उसमें किसी भी टॉपिक का नाम मुझे भेज सकते हैं, किसी टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, टॉप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, आप मुझे भेजिए, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।